हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बढ़िया डिश बना रहे हैं। इसमें भी हम बिल्कुल घी तेल कुछ यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी हम फ्राई नहीं करेंगे और हम बनाएंगे। ये देखिए, ये मूंग की बड़ियां हैं, इनको मैं सूखा सूखा बिल्कुल धीमी आंच पे भून लूँगी, गोल्डन ब्राउन कलर की। इसको देखिए, आप क्या भी बनती होंगी मंगौड़ियाँ, मूँग की दाल को भिगो देते हैं और 6-7 घंटे के लिए, उसके बाद वो फूल जाती है। फिर उसको हम महीन पीस करके छोटी छोटी ऐसी गोल गोल बड़ी धूप में दे देते हैं। सर्दियों में बनाते हैं ये अघन की धूप में, दिवाली के बाद जब तेज़ धूप होती है तो हम, या गर्मियों में बना लेते हैं मार्च अप्रैल में। और ये हम इस तरह से छोटी छोटी बड़ियाँ हम धूप में दे लेते हैं, थालियों में, चटाई पे, और जो पत्तों की चटाई होती है उस पर। और फिर ये 2-3 दिन में तेज़ धूप में सूख जाती हैं, फिर इनको हम उतार के रख लेते हैं। तो वो मैंने मंगौड़ी ली है, ये मैंने ली है आधा कप मंगौड़ी को हम धीमी धीमी आंच पे लाल होने तक भून लेंगे। इसको थोड़ा, कुछ बड़ियों को मैंने तोड़ लिया है और 2-1 बड़ियाँ मैंने साबुत भी रखी हैं, लेकिन मैंने कुछ को चूरा कर लिया। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन सूखा सूखा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 1 कप दलिया है ये मैंने लिया है, बिल्कुल ये बारीक वाला दलिया है, मोटा नहीं है। अगर आपके पास मोटा दलिया है तो भी कोई हर्ज नहीं, गेहूं का दलिया है। दलिया कई तरह का होता है, ज्वार का, बाजरा का, गेहूं का, मक्का का, सबका दलिया बनता है। तो ये गेहूं का दलिया है, ये गेहूं का दलिया मैंने 1 कप, इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन भून लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये दलिया हल्का सुनहरा हो गया है, इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। ये जब भुनने लगता है तो सफेद सफेद होता है, उसके बाद ये सुनहरे रंग का, पीले रंग का हो जाता है, जैसे गेहूं की बाल होती है उस रंग का। अब हम इसको भी एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 2 टेबलस्पून मैंने मूंगफली दाना लिया है, जिसको मैंने थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया था, और ये भुनी हुई चने की दाल है जिसकी हम चटनी बनाते हैं, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए, गोल्डन ब्राउन इसको भी हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। फ्रेंड्स, ये चना और मूंगफली भी भुन गई है, ऑयल हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे, इसको भी मैं एक बाउल में निकाल दूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये 2 टेबलस्पून काजू ले लिए हैं, टुकड़ा काजू है, 1 काजू के 2 टुकड़े, इसको भी हम हल्का हल्का सा, कच्चापन नहीं रहे, भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी गोल्डन हो गया है, बस इसको भी हम बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। नट्स है, मूंगफली है, इनको गर्म करते हैं तो इनका अपने आप ऑयल इनका रिलीज होने लगता है, तो इसलिए, और ज़्यादा हम इनको पीसते हैं तो भी इनका ऑयल रिलीज होने लगता है, तो इसीलिए इसको हम बिना ऑयल के ही रोस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 कप प्याज है, 2 बड़ी प्याज थी, तो ये मैंने लंबी लंबी काट ली है, मोटी मोटी लंबी लंबी, इसको भी हम धीमी आंच पर ऐसे ही, नॉनस्टिक का पैन है, इसको हम सूखा भून लेंगे। प्याज में अपना इतना रस होता है कि जैसे जैसे ये सिकेगी अपना पानी छोड़ती जाएगी और ये इसी में सिकती रहेगी, तो प्याज में हम जो इतना ऑयल डालते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, प्याज अपने आप ही ऐसे सिक जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्याज भुन रही है, इसमें मैंने तकरीबन 6-7 बीन्स लंबी ऐसे काट ली हैं, और इनको भी मैंने इसके साथ ही, प्याज के साथ डाल दिया, इसके साथ ही ये गल भी जाएंगी और सिक भी जाएंगी। और 1 बड़ी गाजर, आजकल इसी तरह की गाजर आ रही है, लेकिन मैं डाल देती हूँ क्योंकि सब्जियाँ चाहिए खाने के लिए, तो ये मैं इसमें साथ में ही डाल दी है, ये भी इसके साथ ही भुन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने करौंदे काटे हुए हैं, इसमें हम करौंदे डालेंगे, आजकल करौंदे आ रहे हैं, इस तरह से हम बीच में से लंबाई में आधा कर देंगे। इसमें देखिए बीज होता है छोटा सा बिल्कुल, इस बीज को हम चाकू से इस तरह से बाहर निकाल देंगे और मैं इसको डिसीड कर दूंगी इस तरह से। बीज हल्का सा कसैला होता है इसका, और ये खट्टे होते हैं, और इस तरह से मैं ये करौंदे काट लेती हूँ। इसको मैं बहुत आजकल यूज़ करती हूँ रेंज में, और इस तरह से देखिए मैंने थोड़े करौंदे रख दिए हैं, बस इतने से करौंदे, तकरीबन 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून ये करौंदे मैं
अभी इसमें कुकिंग में यूज करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये धीमी धीमी आंच पर भुन गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और ये हल्की सी गुलाबी हो गई है प्याज। इसको हम साइड में कर देंगे और अब हम इसमें सेंटर में डाल देंगे ये राई तड़कने के लिए। राई तड़क जाएगी अभी क्योंकि पैन खूब गर्म है, और ये राई तड़कते ही फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, राई की आवाज़ आ रही है तड़कने की। मैंने इसके ऊपर प्याज, क्योंकि बाद में तड़कती है तो ये स्प्लिट करती है, ऊपर आती है, तो इसके ऊपर मैंने सब्जी कर दी है। ये देखिए राई नीचे तड़क गई है, आवाज़ आ रही है, और राई की अच्छे से ये तड़क गई है। इसको अब हम साइड में कर देंगे दोबारा से, जिससे राई ऊपर नहीं आएगी सब्जियों के साथ। और अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून इसमें जीरा। जीरा देखिए घर में थोड़ा सा सूखा हम भून के रख लेते हैं, उससे क्या होता है इस समय वो कच्चा नहीं रहता, तो भुना हुआ जीरा साबुत इस तरह से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जीरा भुन जाएगा तो इसके बाद हम इसमें अपनी सारी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जीरा राई सब अच्छे से तड़क गया है, इसमें मिक्स हो गया है। अब मैं ये इसमें 1/2 कप मटर, फ्रोज़न मटर है, और ये साबुत मिर्च, हरी मिर्चें इसमें डाल रही हूँ। आप इसमें चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन और बारीक हरी मिर्च कतर के भी डाल सकते हैं। इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इस तरह से मैं इसको पूरे को मिक्स कर दूँगी। और इसमें मैं अब डालूँगी ये बढ़िया और काजू, चने, मूंगफली, सब जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो भी सब मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्लेम सिम है, तेज आंच हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये हम दलिया, देखिए जो भून के रखा था मैंने, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। देखिए फ्रेंड्स, ये 1/2 कप टमाटर है बारीक कटे हुए। इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच सूखी अदरक पिसी हुई, सौंठ उसको कहते हैं हम लोग, और वो सौंठ मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ी सी ही हल्दी डालेंगे इसमें। और अब हम इसको पूरे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इसमें हम दलिए का 3 गुना पानी हम इसमें यूज करेंगे, 3 गुना 4 गुना, आप ज्यादा पानी डालिएगा इसमें अच्छे से। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। कि फ्रेंड, इसमें हम डालेंगे 3-4 करी पत्ते। इसमें आप चाहें तो कोई सा मसाला यूज़ कर सकते हैं, नूडल मसाला, बड़ी मसाला, किचन किंग मसाला, आपके अपने टेस्ट के ऊपर है आप इसमें कौन सा मसाला यूज़ करना चाहते हैं, तो वो मसाला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इस तरह से अब ये नमक भी मैंने डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिला देंगे जिससे नमक पूरे पानी में अच्छे से मिल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कॉर्न है, ये कॉर्न ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है, ये कॉर्न मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बॉईल किया हुआ कॉर्न है, कॉब मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसको मैं इस तरह से इसमें निकाल के रख लेती हूँ डीप फ्रीज़र में, और मैं 1-2 दिन में उनको यूज़ कर लेती हूँ। हर ऑल्टरनेट डे मैं उनको बॉईल करके और मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसको फ्लेम को फुल कर दिया है मैंने, जिससे बॉयल आ जाए, इसको हम ढक देंगे और जैसे ही बॉयल आएगा हम इसे सिम कर देंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक दलिया पूरा गल नहीं जाएगा। इसमें 10 से 12 मिनट लगेंगे और हम पानी को पूरा सूखने देंगे, दलिये को फूलने देंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल आने लगा है। ये मैंने कच्चा केला उबाल के रखा था, उसको मैंने 1 कच्चा केला उबाल कर इसमें मैंने डाल दिया है, क्योंकि हम आलू या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी चीज़ जिसमें शुगर ज़्यादा होती है वो हम इसमें नहीं डालेंगे। और हम इसको अब ढक देंगे और जैसे ही इसमें बॉयल तेज आएगा हम इसको सिम कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके साथ खाने के लिए हम खट्टा मीठा कचुम्बर सलाद बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने
दो छोटी छोटी प्याज बारीक काट ली थी, एक खीरा बारीक काट लिया है, और अब हम इसमें ये प्लम्स आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं खट्टे मीठे, तो हम इसमें ये प्लम्स डाल लेंगे। तो ये प्लम्स को मैं ऐसे करके थोड़ा सा काट लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि इसको हमें डीसीड करना है। ये देखिए ऐसे बहुत अच्छे प्लम्स आ रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे हम ऐसे प्लम्स काट लेंगे, लंबे लंबे इस तरह से। आप चाहें तो गोल में भी काट सकते हैं प्लम्स को इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लगा है, और इसमें ना सब्जियां बिल्कुल गल गई हैं क्योंकि मैंने भून भी ली थी। अब हम इस समय इसमें डाल देंगे करौंदे। करौंदे हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि खट्टे होते हैं, तो ये सब्जियां गलने में थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, तो खट्टाई कभी भी पहले नहीं डालनी चाहिए, हमेशा एंड में डालते हैं हम इसमें। क्योंकि नींबू का रस नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें हम करौंदे डाल रहे हैं। और मैं अब ये ढक कर के पका लूँगी, तो करौंदे भी गल जाएंगे और ये पूरा पक जाएगा। ये फ्रेंड्स, इसको 12 से 14 मिनट हो गए पकते हुए, और ये बिल्कुल गरम गरम खोल रहा है। देखिए ये हो गया है, और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, और मैं आपको दिखाती हूँ ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी पहले हम इसमें डाल देंगे, उसके बाद बाकी हरा धनिया हम सर्विंग में यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे, और इसको हम हरे धनिया को इसमें हम मिक्स कर देंगे, जिससे पूरे में इसकी खुशबू अच्छे से जज्ब हो जाए इस तरह से। और हम अब इसको थोड़ा ढक देंगे, और फिर हम इसकी सर्विंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी सर्विंग कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रेश, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम इसमें सैलेड ये डालेंगे, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा बस नमक डाला है मैंने, क्योंकि प्लम भी बहुत मीठे आजकल नहीं आ रहे हैं, हल्के से खट्टे मीठे आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इसमें टेस्ट देते हैं। और ये बस इसके साथ हम ये प्लम का कचुम्बर इसके साथ सर्व करेंगे, और चटनी सर्व करेंगे। और ये डिश बहुत ही लाजवाब तैयार है, दलिया, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट, अलग तरह का। ना इसमें कार्ब्स हैं, ना इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़, आजकल देखिए 99% लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं कोई ना कोई, और डॉक्टर्स उनको मना करते हैं, ऑयल मत लीजिए या फैटनिंग फूड मत लीजिए, चीज़ मत लीजिए। आजकल यंग जनरेशन भी बहुत अनहेल्दी फूड खाने लगे हैं, तो उसके लिए है कि आप इस तरह का लजीज खाना घर में बना सकते हैं, जो बिल्कुल बिना घी तेल चिकनाई के, बिना कार्ब्स के आप बना सकते हैं, और कम सब्जियों में भी। आजकल के मौसम में जो कम सब्जियां हैं, आप ये सब बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी रेसिपीज़। आप ट्राई करिए, एंजॉय करिए, और कमेंट बॉक्स में आकर बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। अनूठी में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।